दुनिया के इतिहास में पहली बार एयरलाइंस के सर्वर में खराबी आई है। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस के ठप होने के कारण भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सहित दुनिया के कई देशों की एयरलाइंस प्रभावित हुई है। कई एयरलाइंस कंपनियों की फ्लाइट कैंसिल हुई है। इस आउटेज के कारण फ्लाइट बुकिंग, कैंसिलेशन से लेकर चेक इन तक की सेवाएं प्रभावित हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रंटियर, एलिजेंट और सन कंट्री जैसी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों की सेवाएं माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आउटेज के कारण ठप हो गई है। फ्रंटियर ने कहा कि वह सामान्य परिचालन फिर से शुरू करने की प्रक्रिया में है। भारत में इंडिगो, आकाशा और स्पाइसजेट ने भी सेवा ठप होने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। फ्रंटियर ने पहले कहा था कि एक माइक्रोसॉफ्ट तकनीकी खराबी ने उसके परिचालन को अस्थायी रूप से प्रभावित किया है। सन कंट्री ने कहा कि थर्ड पार्टी वेंडर ने उसकी बुकिंग और चेक इन सुविधाओं को प्रभावित किया। एलिगेंट ने CNN को दिए गए एक बयान में कहा, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में दिक्कत के कारण एलिगेंट वेबसाइट भी डाउन हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस आउटेज के कारण फ्रंटियर ने 147 उड़ानें रद्द की है और 212 का समय बदला गया है। इसके अलावा एलिजेंट की 45% उड़ानें देरी से हुई है। सन कंट्री की 23% उड़ानें को भी देर से शुरू किया है। कम्युनिकेशन में दिक्कत के कारण अमेरिकन एयरलाइंस ने भी अपनी सभी उड़ानें रोक दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यह आउटेज भारतीय समय अनुसार 19 जुलाई को सुबह करीब 3:30 बजे शुरू हुई। कंपनी ने कहा कि IT की टीम इसे ठीक करने के लिए लगातार काम कर रही है। स्पाइसजेट ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखते हुए कहा, वर्तमान में हम अपने सेवा प्रदाता के साथ तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिससे बुकिंग, चेक इन और बुकिंग का प्रबंधन सहित ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो रही है। परिणाम स्वरूप हमने सभी हवाई अड्डों पर मैनुअल चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रियाओं को सक्रिय कर दिया है। हम आगामी यात्रा योजना वाले यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे काउंटरों पर चेक इन पूरा करने के लिए सामान्य से पहले हवाई अड्डे पर पहुंचे। हम इसके कारण होने वाली किसी भी असुविधा के लिए ईमानदारी से खेद व्यक्त करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारी टीमें इन मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए हमारे सेवा प्रदाता के साथ लगन से काम कर रही है। इस दौरान आपके धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद। इन सब घटनाक्रम के बीच ऑस्ट्रेलिया सरकार ने आपातकालीन बैठक भी बुला ली है।